फ्राइडे को बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में एक छोटी फिल्म रिलीज हुई थी, बेनी एंड बबलू, जो भी लोगों को पसंद आ रही फॉर इट्स सटायर एंड फॉर द मैसेज इट कन्वेज। और उसमें के मेनन एंड राजपाल यादव के अलावा कुछ और एक्टर्स हैं, कुछ और किरदार हैं जिनका काम लोगों को पसंद आया है। आज उन एक्टर्स में से दो एक्टर्स जिनका काम लोगों को वाकई में पसंद आया है हमारे साथ स्टूडियो में है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम रुखसार एंड हितेन पेंटल। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। आपको फीडबैक मिल ही रहा होगा जी। क्या फीडबैक मिल रहा है? पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड lots of people are liking me. No, she's there. People are liking the film and I'm part of the film. Oh, so yeah. Okay. Hiten, आपको क्या message? मुझे काफी feedback मिला that a lot of people liked it. गए अंदर हंसते हुए गए and हंसते हुए बाहर आए. So I think that is most important. आज की audience यही चाहती है. They don't want to see a heavy film की गए और bore होके आगे वापस. तो and they're liking everybody's work. तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, इट्स अ गुड थिंग। रुखसार, आप इस फिल्म में बार डांसर का रोल प्ले कर रही है, तो उसके लिए प्रेपरेशन क्या किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, क्योंकि हमारे लिए बार गर्ल्स एक एलियन चीज थी। Correct. क्योंकि हम यूपी से हैं, तो बार डांसर मतलब हमने जो फिल्मों में देखा था वही एक चांदनी बार देखी थी आपने? हाँ, चांदनी बार की ही बार डांसर को हमें था कि अच्छा बार डांसर्स ऐसी। कितनी बार देखी चांदनी बार? बार देखी। तो हमने यूनुस से कहा, यूनुस प्रॉब्लम हमारी लाइफ की एक ये बहुत बड़ी है कि हम बहुत डिसेंट लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि हम इतने डिसेंट नहीं है। इनडिसेंट चीजें क्या की है आपने? तो ये है कि आई लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई लुक वेरी डिसेंट एंड ऑल, दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बट आई सेड कि यार हमें बहुत ज्यादा इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो लगे कि शी इज यू नो दिस हॉइटी टॉइटी वुमन हु इज स्टैंडिंग इन द बार, और वो बार डांसर लगे ही नहीं, बिकॉज दे आर अ लिटिल बाहर वाली लगे। तो यूनुस से हमने कहा कि हम मिलना चाहेंगे एक दो लड़कियों से जो बार में काम करती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बार में लेके चलूंगा। तो जिस एक्चुअल बार में हम लोगों ने शूट की है उस बार में हम लोग गए, फिर एक और बार है जुहू में, वहां पर हम लोग गए। तो डर लगा इन द बिगिनिंग, आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड कि ऐसा नहीं हो कि यू नो यू वो जो भी आपका परसेप्शन होता है ना, लेकिन वहां जाके हमें लगा कि नहीं ठीक है यहाँ तो सब चीजें नॉर्मल है। एंड ऑफकोर्स आई वॉज विद यूनुस जी, तो देर वॉज नॉट एनी प्रॉब्लम। तो वहां जाके हमने गौर किया कि लड़कियां कैसे रहती हैं, एंड हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस दौरान जो डांस बाज थे, जहां पर लड़कियां जब डांस करती थी उस टाइम के डांस बाज में और अब के डांस बाज में काफी फर्क है, क्योंकि अब जो लड़कियां खड़ी रहती हैं वहां पर दे लुक प्रिटी डिसेंट, दे डोंट मूव, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, बट देयर वे ऑफ टॉकिंग, देयर वे ऑफ लुकिंग एट यू इज different from a normal girl. तो वो वहां जाके हमने notice किया। फिर इस film में क्या है कि हमारा flashback भी है और flashback of those days. तो उसमें हमने कोशिश की है कि वो ऐसा लगे कि I should look more younger and more naive and gullible. तो उसके लिए फिर I used very less makeup and I changed my hairstyle. और इस जो टाइम जो 2000 का जो टाइम उन्होंने दिखाया है फिल्म में, जो कि बार्स बंद हो चुके हैं और ये लड़कियां ऐसे ही खड़ी रहती हैं बार्स में, उसके लिए आई हैव यूज्ड हेजल लेंसेज सो दैट आई कैन लुक मोर हार्ड, एंड आई हैव यूज्ड यू नो ऑरेंज एंड बिकॉज़ यू आर बिटर इन द फिल्म, बिटर एंड शी हैज एज्ड आल्सो एंड दैट हार्डनेस इज शुड शो ऑन हर फेस। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई ट्राइड टू डू एंड या आपने कहा कि वो खड़ी रहती है, शी दे आर नॉट मूविंग, बट द वे दे लुक दैट इज डिफरेंट। तो हितेन की तरफ देखिए, जैसे आप नॉर्मल रुखसार देखती एंड एक बार गर्ल जो आपने प्ले किया है, कैसे देखती हितेन की तरफ देख के बताइए। तो हितेन की तरफ अगर हम नॉर्मल रुखसार की तरह देखेंगे तो हाय हितेन, नमस्ते जी, नमस्ते। और अगर बार डांसर की तरह देखेंगे तो मे बी हाय हितेन, जरा नोट लाओ। अभी हितेन डर रहे हैं, लाल हो गया है उनका चेहरा, क्योंकि he knows नहीं, ये तो ये ब्लश आप तो नहीं, आप तो बाहर में जाते ही होंगे, बट अफसोस कि आप तो होटल में काम करते हैं। तो हमने ऐसा सुना है कि ये बहुत लड़ रहे थे कि मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ और मुझे तो आपने बार के सीक्वेंस, मैंने तो इनको बोला भी था कि मुझे एक स्पेशल अपीयरेंस दे दो, मैं और मतलब
कुछ और मतलब मुंह छुपा उपा के बैठता हूँ डांस में, देखते तो क्या हो रहा है यार बाहर डांस में। एक्सपीरियंस कोई चाहिए ना नोट उड़ाने के लिए, नोट उड़ाने के लिए। तो वाकई में आपने बार्स विजिट किए हैं? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। नुकसान से लाया when we went to the bar to take some tips, you were giving her tips. Yeah, and I saw somebody running from there and they said, "Woh, हमारे regular client है actually." I was giving them the feeling कि देखो जब आप जाओगे shoot करोगे तो ऐसा होगा. And how did you know ऐसा होगा? हमारे जो डायरेक्टर है यूनुस जी वो जाते रहते हैं तो उन्होंने बताया. मतलब उमेश चौहान जी से पैसे आने बाकी, नहीं तो वो उनका भी नाम ले लेते हैं. बाकी नहीं, चलो रहने दो. हितिन, आप फिल्मों में कभी हीरो के फ्रेंड के रोल में आते हैं, कभी विलेन, कभी विलेन के साइड किक, बट इट इज जनरली, इज इट जनरली दैट द हीरो को स्टार tries to gets insecure and tries to, you know, hog the limelight. Kabhi aise face kiya hai? Because you are not the main hero. Yeah, haan ji, ek do bar face kiya hai, ek do bar hua hai, with some people, but then how do you overcome that? I hog it in the end of it. In the last line, I hog it then. Mm-hmm. Because kahi pe you have to be a little selfish, you know. Mm-hmm. If everybody has, if you're standing in point A and point B, mm-hmm. so point A belongs to you, point B belongs to the other person. Mm-hmm. But agar point A, point B wala is trying to cover you, mm-hmm. then you have to figure out a way to come to point C and take him over. So kabhi director ko complain nahi karte aap? Nahi. You manage it at all? I manage it myself. Koi farak nahi padta. I can handle it. Rukhsar, aapne फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके बाद कुछ सालों तक आप गायब हो गई, एंड देन यू स्टेज अ कमबैक. डू यू थिंक यू लॉस्ट आउट इन दोज इयर्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस इन दोज इयर्स? या एंड नो. यस, बिकॉज आई थिंक यस आई हैव लॉस्ट, आई माइट हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स. लेकिन आज जब हम जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फ्रेश पर्सन, इट्स लाइक अ फ्रेश एक्टर. आई एम नॉट दैट रुखसार. बहुत सारे लोगों को मालूम है कि हम वो हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है. तो हमारी एज भी छुप जाती है उससे एक्चुअली. बट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट यू नो सल्क, अरे वो मेरे 10 साल कहाँ चले गए. तो एक ये रहता है कि हमारे साथ की जितनी भी लड़कियां थी उस जमाने में वो अभी आज कहीं नहीं है. ठीक है, दे हैव मेड देयर पोजिशन एंड दे हैव मेड देयर मार्क एंड दे आर स्टार्स एंड बट दे आर नॉट देयर. मतलब यू नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बेनी एंड बबलू, अल्लाह के बंदे और नॉकआउट और बेजा फ्राई टू. So I'm working as a new artist and new actor. Mm-hmm. So that gives me a real high. Okay, ठीक है, वो whatever I have lost, I'm really enjoying my today. Mm-hmm. Whatever I'm doing, तो ठीक है, वो निकल गये तो निकल गये, but I'm happy whatever is happening with my life now. कुछ offers main leads के भी आते हैं? देखिए, अगर आप अभी जैसे बेनी एंड बबलू एक ऐसी फिल्म है जिसमें कोई भी मेन लीड नहीं है और कोई भी नहीं है, एनसेंबल कास्ट, इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म. जो अल्लाह के बंदे है उसमें आई एम पेयर्ड ऑपोजिट अतुल कुलकर्णी, तो आप ये कह सकते हैं कि वो मेन लीड है, फिर भी मेन लीड नहीं है. नॉकआउट में आई एम ऑपोजिट इरफान खान. अगर इरफान खान मेन लीड है तो हम भी मेन लीड है. मेन लीड का यही मतलब नहीं होता कि आप छोटा स्कर्ट पहन के यू नो यू जस्ट डांस एंड यू सिंग सॉन्ग्स एंड प्ले indeed. Mm-hmm. And just now I was telling Hiten ke for 1.5-2 years I didn't sign any film after Sarkar and D, because I would rather not do films than do something which I'll you know see and say ke arre ye nahi karna chahiye tha. To wo 1.5 saal mein bahut se offers aaye, unhone kaha arre ma'am hum to aapko main lead offer kar rahe hain, aapke to 4 gaane hain and you are the hero hai aur wo 25 saal ka hero hai. I knew that, you know, I won't look convincing doing that. You know, I from inside I won't feel good. And I genuinely feel that to be part of a good project, if even if you are there for like 5 minutes, for an actor like me, it makes a lot of difference. Then to be there throughout the film, jahan par do log dekhne nahi hai aapko aur yaad bhi nahi rahe. Like in Sarkar, my on paper, my character was nothing. But still people say, arey, aap, you did make your mark. Yeah. So that's how I see it. Hiten, aap film sign karte waqt kya dekhte hain? Because they are not lead roles. Then what do you see? The length of the role ya 4 scenes mein aapke scene kitne hain? The scene belongs to you or doesn't belong to you? Ya director, producer, banner? Kya cheeze aap dekhte hain? I think primarily director or producer ko main dekhta hoon, because like you said earlier ki film release hogi ki nahi release hogi, you know. Correct.
एंड मेरे साथ इन द पास्ट ऐसा हो चुका है दैट आई हैव साइंड अ फिल्म शॉर्ट अ फिल्म और दो साल से वो फिल्म बंद पड़ी है यू नो इट्स नॉट रिलीजिंग सेकेंडली ऑब्वियसली द स्टोरी आई थिंक आज की डेट में हीरो हीरोइन बहुत ज्यादा नहीं चलते जितनी स्टोरी चलती है इफ योर स्टोरी इज गुड तो इवन अ न्यू कास्ट कैन पुल इट ऑफ सेकेंडली द रोल बिकॉज धीरे धीरे द फिल्म्स दैट आई हैव डन राइट फ्रॉम बचना या सीनो बिकॉज आई न्यू कि उस फिल्म में मैं रणबीर का दोस्त हूँ But besides Ranveer Ami, there are no other boys. Correct. It is a story of five characters. It's two boys and three girls. Boys and three girls, yes. On paper, jitna mera role tha, was, when we shot it, it turned out to be much more. Mm-hmm. And which is quite rare, generally much less ban jata hai. In Bachna, my role was bigger than Deepika's in the film. Mm. And she still today complains. You know, she said your role was bigger. I said, you know, it's But I think you made your biggest mark with Bachna. Biggest mark with Bachna. Now, after that happened, I did that film primarily to show people that yes, I can act. And I needed a big banner film. But Bachna Hai Haseeno ke chalne ke baad, aisa nahi ki you were flooded with offers? No, I was, but everything was, the character that I played in Bachna was Sachin. Mm. So I was getting roles smaller to that. Or that level, I want to do something bigger. I didn't want to do, you know, the same thing. Then it doesn't make sense because फिर पूरी उम्र ऐसे role करता रहूँगा मैं. Then after that, but कभी-कभी आप लोगों के लिए ऐसा नहीं हो जाता कि I don't want to do this. तो एक डेढ़ साल में if you don't encash, then you are forgotten. ऐसा नहीं होता है? नहीं, not really. I think वो forgotten भी हो सकता है, forgotten नहीं भी हो सकता है. It's a very dicey situation. Yeah. But you don't mind taking the risk. No, I don't mind taking the risk because I'd rather do something good, you know, something substantial. Mm-hmm. Like after that, the film that released, which didn't do well, was Muskura Ke Dekh Zara, again for a new producer. Correct. The only reason I took that up was because it was a negative role. I knew at least film release hogi. Log dekhenge, at least they'll figure out because Ethan can do negative. Mm-hmm. I can. So where does your interest lie? You want to play negative roles? I want to primarily play negative roles. Okay. I have got one or two offers. Okay. What is so fascinating about negative roles? Kyon? You think there aren't enough actors? I think in today's generation, today with Ranbir, Imran, all these people in the younger lot, Shahid, all this younger lot, there is nobody doing negative roles at all. In that age group, nobody is doing that. Achha. For a negative. So, this is a commercial decision. And also, I think I. Also, I'm a negative person. No, like, as much as I love doing comedy, I love doing negative. I think because it's a very hard thing to do. Is there a devil in you? Yeah. Yeah. I've got like two big horns. So that's why I wear a cap. I shove them in. I'm like, wait. Put them in. Rukhsar, aapne inka devilish side dekha hai? Benny and Bablu ki shooting ke dauran. Nahin, actually, hum logo ke scenes saath mein thay nahin. Humare saath mein nahin, we were shooting separate. Thank God. That's why he's so sad that he didn't come to the bar. He's a very sweet guy and I think... So he's a sweet devil. I don't know about the devil part, nice, but he's a sweet guy. आने वाली और कौन सी फिल्में हैं आपकी? अभी राइट नाउ नथिंग बट आई एम इन टॉक्स विद टू पीपल दे आर स्क्रिप्टिंग द फिल्म राइट नाउ आई हैव बीन ऑफर्ड समथिंग एज इवन द सेकंड लीड नाउ सो आई एम कंसीडरिंग दैट बिकॉज आई वांट टू हियर द स्क्रिप्ट बिफोर आई से यस और नो. आपने इतनी आसानी से बोला राइट नाउ नथिंग तो कभी इनसिक्योरिटी फील होती है क्यों? समवेयर ये पता है कि डिसेंट एक्टर है समवेयर ये पता है दैट पीपल आई विल गेट समथिंग गुड. So do you have a second source of revenue also कि अगर acting की दुकान थोड़ी कम चले तो मुझे ये भी यहाँ से भी आ रहा है पैसा? नहीं. You're so confident कि ये चलती रहेगी दुकान? ये चलती रहेगी. That's इतना very, confidence. It's a very good confidence. Yeah, but नहीं वो ही होता है that sometimes जब नहीं कुछ हो रहा है then you start getting insecure यार भाप रहे क्या हो रहा है. तो वही मैं पूछ रहा हूँ ऐसी insecurity आती है? Then you जब वो insecurity correct you go and land up signing something really bad and then like अरे यार अब इससे कैसे निकलो बिकॉज उतने टाइम में यू गेट समथिंग नाइस तो देन यू आर लाइक अरे यार अब क्या करें बट व्हेन दैट रिलीज इज देन यू टेक इट इन योर स्ट्राइड यू डू इट यू टॉक लाइक यू ओ यस आई वाज सो इज इट लाइक अ स्ट्रगल इट इज दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ स्ट्रगल या फॉर एन एक्टर इट्स स्ट्रगल एवरी व्हेदर यू आर एस्टैब्लिश्ड और अ न्यूकमर यू आर टुडे इवन अ गुड एस्टैब्लिश्ड एक्टर इज इनसिक्योर बट हिज फिल्म इज रिलीजिंग कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे पीपल विल लाइक मी और नो नेगेटिव पब्लिसिटी कितनी होगी पॉजिटिव कितनी होगी हमारे लिए इतना नहीं है बिकॉज हमारी हमसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती है नेचुरली बिकॉज यू नॉट द लीड रोल एक्जैक्टली यू आर नॉट इन द लीड एंड प्लस व्हेन यू इवन इफ नॉट बीइंग द लीड रोल यू नो बट स्टिल यू आर नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड दैट पीपल नो यू कैन डू डिफरेंट स्टफ एंड गेट अवे विद इट नहीं और अगर बड़े एक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं होती तो बड़ी फिल्मों की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती उसे पब्लिसिटी हो रही है यानी इनसिक्योरिटी है नहीं बट दे वांट पीपल टू यू नो कम एंड सी देयर फिल्म अगर ऐसा होता तो सो एंड सो कोई बड़ा एक्टर है तो उसको पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं है मेरे नाम पे आ जाएंगे बट फॉर एन एक्टर यू कॉल इट इनसिक्योरिटी और यू कॉल इट यू नो गिविंग
योर फिल्म दैट बिगर प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों को भी जरूरत होती है पब्लिसिटी की, यू नो. ऐसा नहीं है कि छोटी फिल्म को ही ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत होती है, बड़ी फिल्म को भी जरूरत होती है. सो या एवरीबडी इज इनसिक्योर. अच्छा, अभी तो 3 दिन हुए हैं फिल्म को रिलीज हुए. जिन्होंने आपकी फिल्म नहीं देखी, अगर मैं आपको पूछूं एक एक लाइन में, आप कहिए व्हाई दे शुड वॉच बेनी एंड बबलू, आपका जवाब क्या होगा, आपका क्या जवाब होगा? बेनी एंड बबलू एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको सोसाइटी के दो अलग सेक्शंस, जिनको एक को हम बहुत अच्छा समझते हैं जो कि 5 स्टार है, और एक को हम बहुत गिरा हुआ समझते हैं जो कि एक डांस बार है. तो उस 5 स्टार में भी बुराइयां हैं और उस डांस बार में भी अच्छाइयां हैं. तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जिनको पता नहीं है इस हकीकत के बारे में कि दे शुड गो एंड वॉच बेनी एंड बबलू एंड सी व्हाट हैपेंस. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आजकल की ऑडियंसेस, जब आप 200 रुपए की टिकट या 300 रुपए की टिकट लेके जाते हैं और आप बाहर निकलते हैं, आपको लगता है यार पैसे वेस्ट हो गए, रात वेस्ट हो गई, इससे अच्छा कहीं जाते, डिनर करते, फैमिली के साथ रहते. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो जितने पैसे आप एक फिल्म देखने के लिए डालते हैं, टिकट लेने के डालते हैं, 100% जब आप बाहर निकलेंगे, आप निकलेंगे यार फिल्म पैसे वेस्ट हो गए, यू विल, आपको वर्थ लगेगी कि हाँ यार मजा आया यार देख के, वायर, बिकॉज देर इज लाइक, बहुत क्लीशे डायलॉग है कि इमोशन भी है और ड्रामा भी है और कॉमेडी भी है, बट इट इज ट्रू विद दिस फिल्म. ये सच्चाई है कि आप देखेंगे, यू विल एंजॉय इट, यू विल लाफ एट द सेम टाइम आल्सो, यू विल फील यार ओह दिस इज द रियलिटी, ओह यू नो, एक वो रिएक्शन निकलता है इन एन एंटरटेनिंग वे. एंटरटेनिंग वे, यस. लवली, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू रुखसार, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू हितेन. एंड एक्चुअली जैसा आप बोल रहे हैं, मे द ऑडियंस रियलाइज दैट एंड मे दे गो इन लार्ज नंबर्स टू वॉच बेनी एंड बबलू. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच.